तो अपना दाल चावल हो गया, बाकी लास्ट ये चिकन फ्राई रह गया है, मैंने मैरिनेट कर लिया था, तेल भी गर्म हो गया, ज़्यादा ही तेल डाल दिया मैंने। बस तीन तीन पीस तो फ्राई करना है, छोटा छोटा लेग पीस है। चलो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह। अभी मैंने सोचा था कि ये दूध पी के थोड़ा नाश्ता कर लूँ मैं, तो ये आइसक्रीम बना हुआ है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ वो कफिल के वाइफ को मदरसे में छोड़ने के लिए, मदरसे में छोड़ के फिर आता हूँ मैं रूम पे। तो कफिल के वाइफ को ला कर छोड़ दिया मैं मदरसे में, चलो अब चलता हूँ मैं रूम पे, जब खलास होगा वो बुलाएगी तो फिर आऊँगा लेने के लिए। आ गया मैं रूम पे, चलो अब इंतज़ार करेंगे कफिल के वाइफ का फ़ोन का। अभी मैंने सोचा था कि ये दूध पी के थोड़ा नाश्ता कर लूँ मैं, तो ये आइसक्रीम बना हुआ है। चलो इसको गरमाते हैं गैस पे। तो ये रख दिया मैंने गरम होने के लिए, अभी गरम हो जाए तो पी लेंगे थोड़ा सा। पूरा बर्फ जम गया फ्रिज में, छोटा फ्रिज का यही है, भी ऊपर नीचे सब में बर्फ जमा देता है। तो ये साइड साइड से पिघल गया, बीच में अभी बाकी है। तो चलो हो गया, और उठा के लेके चलते हैं और अपना ये सेब खाते हैं और दूध पीते हैं। तो ये निकाल लिया मैंने, बाकी उतना अभी बाकी है। तो चलो दोस्तों आप लोग भी आओ नाश्ता करो, आप लोग भी आओ ये खाओ सेब और दूध पियो। तो अभी मैं नाश्ता कर ही रहा था तब तक वो छोटी वाली मैडम फ़ोन करके अपने घर पे बुलाई थी, यहाँ से कुछ सामान देगी, कफिल के घर पे पहुँचाना है। तो मैं इधर पहुँच गया हूँ, देखो ये रहा, तो देखते हैं क्या सामान है, ले लेते हैं। तो ये सामान है, यही पहुंचाना है कफिल के घर पे, चलो चलते हैं। तो अभी आके मैं सामान पहुंचा के गया था मदरसे में, अभी फिर मदरसे से आई है कफिल की वाइफ, गई है कपड़ा लाने, अभी जाएगी टेलर के पास। तो देखो कब खलास होता है ड्यूटी। तो अभी 6 बजने में 2 मिनट बाकी है, कफिल की वाइफ को ला के छोड़ दिया कफिल के घर पे, और आप लोग सोचोगे कि लेके कब गया था। वो बोली थी कि मैं अभी कपड़ा लेके आती हूँ, तो मैं समझा टेलर के पास जाएगी, पर वो अंदर गई, कोई नया नौकरानी आई थी, तो वो छोटी वाली मैडम के दोस्त के घर पे पहुँचाना था ये नौकरानी को। वो जो मैं पहले जाके सामान लेके आया था वो सामान भी वो नौकरानी का ही था, नौकरानी के लिए। तो ये कफिल की वाइफ अंदर गई, वही नौकरानी के सारा कपड़ा वगैरह लेके आई, पीछे भरी, वो नहीं भरी, नौकरानी से भरवाई अपनी नौकरानी, बाकी वो जो नई वाली नौकरानी आई थी उससे, बाकी कफिल की वाइफ साथ में बैठ के गई, और वो छोटी वाली मैडम के दोस्त के घर पे नौकरानी को छोड़ के फिर अभी दोबारा आई है यहाँ पे, मैं छोड़ दिया, अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। तब मेरा ड्यूटी खलास हुआ, अब मैं जा रहा हूँ जाके अपना आधा 1 घंटा और इंतज़ार करूँगा, मैं 7 बजे से अपना खाना बनाना चालू कर दूँगा, अगर कोई ड्यूटी वगैरह नहीं आएगा तो चलो अभी मैं चलता हूँ रूम पे। तो अभी जैसे ही आके मैं इधर अपने गेट पे खड़ा हुआ, कफिल का छोटा वाला लड़का फ़ोन कर दिया कि मेरे घर पे आओ, और वहाँ पे कुछ काम है, उसका कुछ काम है। तो चलो अभी चलते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे निकल लेते हैं, इधर घुसने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं इधर पहुंच गया कफिल के छोटे वाले लड़के के घर पे, देखते हैं वो अभी पहुंचा है कि नहीं। नहीं पहुंचा है, वो बोला था कि हॉस्पिटल में है, आने में उसको टाइम लगेगा, तुम इधर पहुंच के और इंतज़ार करना। तो चलो अपन इंतज़ार करते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ा करके।
तो कब से खड़ा हूँ मैं इधर देख रहा, 6:46 हो गया, अभी तक आया नहीं हूँ। कफिल का लड़का, जैकेट पहन लेता हूँ मैं, ठंड लग रहा है। तो 7:10 हो रहा है, मैं अभी हूँ सनैया में। वो अपने दोस्त को लेके आया इधर साथ में अपने घर पे, बाकी बोला कि इसको छोड़ आओ सनैया में। वो तुर्की का है, जो एक बार पार्टी नहीं हुआ था तो वही गाड़ी चला के लेके आ रहा था, और वो एकदम रेस दे दे के चला रहा था। देखो पेट्रोल आज ही खत्म कर दिया 40 रियल का पेट्रोल 2 दिन में खत्म। ऐसे ही होता है, किस्तों में डलवाओ तो 50 रियल का डलवाता हूँ तो 3-4 दिन चल जाता है। और अभी देखो, अगर मैं कफिल को बोलूँगा कि पेट्रोल खत्म हो गया जी, तो यकीन नहीं करेगा कि 20 रियाल का मैं डलवाया था, कैसे खत्म हो गया। अब अपने पैसे से डलवाना पड़ेगा, बाकी कल शाम को बोलूँगा मैं उससे कि पेट्रोल का पैसा दो। चलो अभी चलता हूँ मैं रूम पे, अब जाके सीधे खाना बनाना चालू कर दूंगा मैं। तो मैं इधर आ गया हूँ कफिल के घर की तरफ। देखो ये पार्क है, बाकी पानी का बोतल लेके आया था मैं, तो यहाँ से भर लेता हूँ। देखो ये है, पानी भर लेते, कब से लेके मैं घूम रहा था ये। तो ये पानी भर चुका अपना, चलो इसको उठाते हैं और चलते हैं। तो चलो गाड़ी लेके मैं पहुंच गया हूँ अपने रूम के पास तक। इधर रूम है, यहीं पे पेट्रोल डलवा लेता हूँ मैं, नहीं तो कल सुबह में प्रॉब्लम हो जाएगा। सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है, उठ के भागना पड़ता है जल्दी सा। कभी भी फोन आ जाए, देखो मंदिर भी मिलने लगा और डिजिटल मीटर। तो देखो अभी मंदिर मिलेगा। तो हो गया अपना 50 रियल का पेट्रोल, चलो चलते हैं। तो अब टिश्यू पेपर के लालच में उधर नहीं जाना पड़ेगा, अपना यहीं से डल जाएगा। देखो ये रोड के लास्ट में मेरा रूम है, सीधे इधर ही से जाता हूँ मैं, यहाँ से घुस के अपना पेट्रोल डलवा लो, साथ में टिश्यू पेपर भी मिल जाएगा। और देखो पेट्रोल डल चुका, कल शाम तक कफिल को बोलूँगा मैं कि पेट्रोल का पैसा दे, मैंने अपने पैसे से डलवाया है अभी। अब सुबह में क्या है कि अचानक से कभी फोन आ जाता है कि 6 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, तो फिर हो सके ये खुला रहे ना खुला रहे, एकदम पूरा ख़त्म हो गया था उस सनैया में ही। सनैया से मैं लेके आया 10-15 किलोमीटर दूर से, तो हो सके यहाँ पे चालू करूँ और बंद हो जाए, तो हो जाएगा अपना काम। तो चलो पहुँच गया मैं, ये रहा अपना रूम। अब मनाओ कि किसी की ड्यूटी ना आए और मैं खाना बना लूँ सही से, बहुत दिनों से चिकन ला कर रखा हुआ हूँ मैं। देखो 7:46 हो रहा है। तो देखो ये ले के आया था मैं मुर्गी का लेग पीस, धनिया, धनिया खराबी हो रहा था, बाकी है अपना इधर मिर्चा टमाटर। चलो सब पहले दाल रख देता हूँ, दाल चावल, बाकी ये रेडी करेंगे। तो ये चिकन फ्राई करने के लिए मैंने मसाला रेडी कर लिया है, लहसुन अदरक और मिर्चा और धनिया का पत्ता भी मैंने डाला है, और बाकी अभी मेहरान डालना बाकी है। मेहरान डाल के मिला के फिर अपना ये मैरिनेट करेंगे। बाकी अपना बाकी इधर मैंने दाल और चावल चढ़ा दिया था कुकर में। देखो दाल आज जला नहीं है, मैं जल्दी बंद कर दिया, मगर ये है कि गाढ़ा ज़्यादा हो गया, तो इसमें पलट देता हूँ और थोड़ा पानी डाल के और उबालता हूँ। अरे अपना चावल हो गया, देखो चावल रेडी है, दाल रेडी है, बाकी बस अभी चिकन बाकी है। तो इसमें का दाल पलट दिया हूँ, बाकी इसमें और पानी भर के ला के देखो इसमें डाल देता हूँ मैं। इस बार धनिया मैंने पहले ही डाल दिया है माँ के कहने पे,
वो बोली धनिया डाल के दाल बनाओ तो खुशबू अच्छा आता है। तो ये पानी इसमें पलट दिया मैंने, दाल ज़्यादा हो गया। तो चलो इसको उबलने दो, तब तक वो अपना चिकन रेडी करते हैं। देखो धनिया डाल के बनाया हूँ पहले से ही, अभी छौंका लगाना बाकी है। तो ये चिकन काट के धो लिया मैंने, मसाला भी रेडी है। और ये देख रहे हो ये लेग पीस कितना कमज़ोर कमज़ोर है। उस दिन एक ही पीस था तो मजबूरी में मुझे लेना पड़ा था, पर उस दिन से बनाने का मौका मिल ही नहीं रहा था, कभी इधर पार्टी कभी उधर पार्टी। देखो कितना छोटा छोटा है ये देखो। चलो मैरिनेट कर लेता हूँ, फिर भी क्या करें, इसको अभी कट मारना पड़ेगा फिर मैरिनेट होगा। तो अपना दाल रेडी है, अभी छौंका लगाने जा रहा हूँ मैं। देखो ये रहा दाल, और ये रहा लहसुन, लाल मिर्च और जीरा। छौंका लगा देता हूँ मैं। तो अपना दाल चावल हो गया, बाकी लास्ट ये चिकन फ्राई रह गया है, मैंने मैरिनेट कर लिया था। तेल भी गर्म हो गया, ज़्यादा ही तेल डाल दिया मैंने, बस तीन तीन पीस तो फ्राई करना है, छोटा छोटा लेग पीस है। चलो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह। मेरा तेल ज़्यादा हो गया है, ऐसे ही तीन पीस तलना है, बाकी ये फ्रिज में रख देते हैं, दोपहर में और रात को काम आएगा। तो हो गया अपना चिकन फ्राई, चलो अब खाने बैठते हैं। तीन पीस चिकन, दाल, चावल, रोटी। देखो ये जो दोपहर में मैडम रोटी दिलवाई थी, एक रोटी खाऊंगा, बाकी थोड़ा चावल भी खाऊंगा। तो चलो निकालते हैं दाल। देखो क्या मस्त दाल बना है, तो चलो अभी इतना सा रोटी खाते हैं एक, बाकी चावल के टाइम और निकाल लेंगे। तो देखो ये है इतना बड़ा बड़ा रोटी। तो चलो दोस्तों अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने, बिस्मिल्लाह करो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय सलाम, टेक केयर।